और एक बार फिर आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां पर सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। जन कल्याण के काम कैसे हो सके, जो एप्लीकेशन है उनमें सरलीकरण कैसे हो, उस बारे में हम सब लोगों ने मिलकर आज 7 दिन की कार्य योजना हमने बनाई है। विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे देंगे। और सबसे बड़ा कि हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, पिछले 1.25 साल से उनकी पदोन्नति जो थी वो रुकी हुई थी, आज हम सब ने मिलकर उस पदोन्नति को भी एक्सेप्ट किया है, उनको पदोन्नति का तोहफा भी दिया है विभागीय अधिकारी को। लगभग उसमें 70 लोग हैं, 70 लोगों को हमने विभागीय पदोन्नति दी है। 244 के करीब और अभी पेंडिंग है पदोन्नति के, उनका भी बहुत जल्दी उनका भी निस्तारण करके उनको भी पदोन्नति का लाभ दे दिया जाएगा। सर, आपने ओबीसी की छात्रवृत्ति को लेकर आपने मंशा जताई थी कि ओबीसी की छात्रवृत्ति भी बढ़नी चाहिए, तो इसको लेकर आपने कुछ फीडबैक लिया कि कैसे बढ़ाई जाएगी सरकार? देखिए, हमारी अभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, अभी बहुत लंबा समय निकलेगा इस बैठक में। SC ST के लोग भी हमारे हैं, उनके भी छात्रवृत्ति मिल रही है, उसके साथ में हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग के लोगों को भी छात्रवृत्ति मिले, तो इसके लिए भी हम लोग हमारे सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से मिलकर, विभाग के अधिकारी से मिलकर काम करने वाले हैं। जो पिछले लगभग मैं समझता हूँ कि 10 साल से ओबीसी वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति की नहीं के बराबर मिल रही है, तो उनको पुनः चालू कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बैठकर बातचीत करें। सर, अगर देखा जाए पिछले कुछ साल से जिस तरह के जो मामले सामने आते थे फर्जीवाड़े के, उस पर काफी अंकुश लगा है, और इसमें बेहतर पारदर्शिता बने, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या पेंशन हो या फिर और अन्य स्कीम हो, उसको लेकर क्या नवाचार किए जा रहे हैं, क्योंकि समीर जी लगातार कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या देना? देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, किसी सूरत में भ्रष्टाचार बख्शा नहीं जाएगा। और मेरे विभाग विशेष रूप से अगर कहीं कोई गड़बड़ी, वैसे बहुत काबिल हमारे जो अधिकारी हैं, मेरे लेफ्ट राइट दोनों बैठे हैं, बहुत काबिल अधिकारी हैं, मुझे पूरा भरोसा मेरे विभाग के ऊपर कि इस प्रकार की जो गड़बड़ी होती है, एक्चुअली क्या ना, हमारा जो विभाग है ये वंचित वर्ग के लोगों को लाभ दिलाने के लिए, जब तक सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वंचित वर्ग के लोगों को नहीं पहुंचेगा, जिस उद्देश्य के साथ इस विभाग की स्थापना हुई है, तब तक मैं समझता हूं कि बेईमानी होगा कुछ बात कहना, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ में, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे पेंशन हो, चाहे कुछ भी जो योजना है, उसका लाभ पूरा उन लोगों तक पहुंचे, ये हमारे अंत्योदय की योजना का विभाग है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की सुविधा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी योजनाओं का लाभ उन तक 100% रूप से पहुंचना चाहिए, और हम इसमें काम करेंगे। सर, देखिएगा पिछले गहलोत सरकार के वक्त के अंदर हर साल पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, क्या आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वित्तीय भार लगातार बढ़ेगा, या एज इट इज ही चलती रहेगी वो चीज? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया कि हम पिछली सरकार की किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे। रही बात पेंशन की, तो आज की तारीख में लगभग 91 लाख के करीब हमारे पेंशनर्स हैं जिनको इस विभाग के द्वारा लाभान्वित वो आज हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जितना भ्रष्टाचार उस सरकार में हुआ, और जाते जाते उन्होंने जो ये खोखली घोषणाएं उन्होंने करी थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन फिर भी जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया, आज हम चाहते हैं कि वास्तव में जो मूलभूत सुविधा है वो उन तक पहुंचे, और पेंशन का लाभ जो है वो आम जन तक पहुंचे, जो इसके वाकई में हकदार है उन तक उनका पेंशन का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। उसमें हमने कोई कमी पेशी हम लोग नहीं करने वाले, जो पेंशन मिल रही है वो उसको जारी रखेंगे। सर, कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, आज भी गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये पर्ची वाली सरकार है, तो क्या बोलेंगे उनको आप? देखिए, ये कोई नाथी के बाड़े की सरकार नहीं है, ये राम राज्य की सरकार है, सुशासन की सरकार है। उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो राजस्थान में कांग्रेस के साथ रिपीट हो जाती, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने तय कर लिया कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग विकसित राजस्थान बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। तो ये डोटासरा जी का शुरू से ऐसा राह है, बड़बोलापन राह है, तो वो कहेंगे उनकी बातों को, ये शुरू से हिंदू धर्म विरोधी भी रहे हैं, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ भी करते आए हैं।